डायरेक्टर अली अब्बास जफर को शादी की मुबारकबाद देते हुए नजर आई कटरीना कैफ। आइए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जो कटरीना कैफ है उनके बेस्ट फ्रेंड और डायरेक्टर जिन्होंने टाइगर जिंदा है, टाइगर और सुल्तान जैसी फिल्म्स को डायरेक्ट किया है अली अब्बास जफर, उन्होंने शादी कर ली है और शादी का फोटो उन्होंने शेयर किया है जहां पर हाथों के फोटो है उनके और उनके वाइफ के और कैप्शन में उन्होंने लिखा है बिस्मिल्ला और एक हार्ट का इमोजी भी डाला है। जब से उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि उनकी शादी हो गई है तो फटाफट उनकी बेस्ट फ्रेंड और एक्ट्रेस कटरीना कैफ ने उनको दी है शादी की मुबारकबाद और लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। तो इस प्रकार से अली अब्बास जफर की शादी हो चुकी है और अब वो शादी में बन गए हैं उनके वाइफ के साथ। दोस्तों पूरी फोटो तो उन्होंने शेयर नहीं की है पर तस्वीरों का इंतज़ार तो हमें हमेशा रहेगा। आपको क्या कहना है कटरीना कैफ और अली अब्बास जफर के बेस्ट फ्रेंडशिप के बारे में और किस प्रकार से शादी की ये जो धूमधाम चल रही है उसके बारे में बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। मैं हूं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। भाईजान सलमान खान के दोनों भाईजान यानी सोहेल खान और अरबाज खान पर दर्ज हो गई है FIR। आइए बताते हैं आपको आखिर मामला क्या है, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि सोहेल खान, अरबाज खान और सोहेल खान के बेटे निर्वाण खान ये तीनों के तीनों गए थे UAE में 25 दिसंबर यानी क्रिसमस मनाने के लिए और वापस आते ही इन तीनों को भी क्वारंटाइन होना था अकॉर्डिंग टू कोरोना गाइडलाइंस, पर कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए ये तीनों भी चले गए बांद्रा के उनके घर पर सीधे और इसी वजह से इन तीनों पर जो है FIR दर्ज हो गई है। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं ये FIR तो दर्ज करवा दी है पर इन तीनों को भी अब क्वारंटाइन होना था ताज लैंड्स एंड में, पर इन तीनों ने उन गाइडलाइंस का उल्लंघन कर दिया है और इसी मामले में इन पर FIR दर्ज हो गई है। अभी इनको वापस ले जाया गया है और इनको क्वारंटाइन कर दिया गया है, ऐसी न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही है। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि अब इस बात पर कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है कि वाकई में ये क्वारंटाइन हो गए हैं या नहीं, पर ये अफवाह तो ज़रूर फैल रही है। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि कोरोना से बचने के लिए अपने आप को सतर्क रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और गाइडलाइंस का उल्लंघन कृपया करके ना करें। तो दोस्तों इन सभी बातों को ध्यान में रखें और आपको क्या कहना है इस बात के बारे में ज़रूर बताइए इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। मैं हूं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। सलमान खान दिल दे बैठे हैं सनी लियोनी को। आइए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वीकेंड के वार में हम सभी जानते हैं कि आई थी गेस्ट के तौर पे सनी लियोनी और सनी लियोनी जब पधारती है तो भाई कोई भी उनसे प्यार करना शुरू ही कर देता है। अब मैं आपको बता दूं कि सनी लियोनी जो है वो आई थी बिग बॉस पर वीकेंड के वार में और तब सलमान खान से बात करते हुए उन्होंने पूछा सलमान खान से कि आखिरकार आपको किस प्रकार की बीमारी है, तो वही सलमान खान ने भी बहुत ही मौके पर चौका मार दिया है और कहते हैं सनी लियोनी से कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मुझे लवेरिया बीमारी हो गई है और मैं अपना दिल तुम्हें दे बैठा हूँ। वहीं पर सनी लियोनी जो है वो अपने दिल पर हाथ रखकर कहती है कि मेरा दिल भी अब सलमान सलमान पुकार रहा है। तो इस प्रकार से एक फ्रेंडली बैंटर जिसे कहते हैं वो दिखा हमें सनी लियोनी और सलमान खान के बीच और सलमान खान दिल दे बैठे हैं सनी लियोनी को और अब ये देखना है कि क्या इन दोनों का कोई भी कोलैबोरेशन हमें देखने मिलेगा, फिर वो म्यूज़िक वीडियो हो, फिल्म हो, कोई गाना हो। वी आर वेटिंग, बट इतना तो ज़रूर है कि सलमान खान ने अगर दिल दिया है सनी लियोनी को तो भाई कुछ तो खास है। आपको क्या कहना है इस बारे में और बिग बॉस में होती हुई इस मस्ती के बारे में बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। मैं हूं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा।
उर्मिला मातोंडकर ने दिया है करारा जवाब कंगना रनावत को। आइए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि उर्मिला मातोंडकर जो है उन्होंने एक प्रकार से कंगना रनावत ने जो बात कही थी उसका करारा जवाब देते हुए वीडियो के माध्यम से कंगना रनावत को दिया है ये जवाब। उन्होंने वीडियो में ये कहा है कंगना रनावत से कि आखिरकार मेरा जो घर था उसके सारे के सारे पेपर्स जो है वो मेरे पास है, मैंने जो इतना मेरा बड़ा सा जो करियर है 25-30 इयर्स का उस कड़ी मेहनत पर मैंने अंधेरी में एक घर खरीदा था और मार्च के पहले हफ्ते में उस घर को बेचा है और उसके अवेज में मैंने एक ऑफिस लिया हुआ है और कड़े मेहनत से ये ऑफिस लिया है। उसमें उर्मिला मातोंडकर ने दो तीन बातें कही है इनडायरेक्टली कंगना रनौत से। एक बात थी अबाउट टैक्स पेयर्स, उन्होंने कहा है कि हम जैसे टैक्स पेयर्स जो है वो टैक्स पे करते हैं। और दूसरी जो बात कंगना रनौत से उन्होंने कही है वो ये है कि आपने जो अपने गवर्नमेंट को ये बात कहकर अपने लिए वाई सिक्योरिटी जो ले रखी है और आपने जो कहा है कि एनसीबी को आप एक लिस्ट देंगी जो भी लोग आपको लगते हैं कि इंडस्ट्री के हैं या फिर अदरवाइज ऑल्सो जो लोग हैं जो यू नो ड्रग्स सप्लाई करते हैं या ड्रग के किसी भी टाइप के ट्रांजैक्शन में शामिल है, उनकी एक लिस्ट आप मेरे लिए ले आइए। आप डिसाइड कीजिए कि कौन सी प्लेस होगी, क्या टाइम होगा, मैं आ जाऊंगी मेरे सारे पेपर्स लेकर के, आप बस वो छोटी सी लिस्ट लेकर आ जाइए। और उन्होंने एंड में ये कहा कि जय महाराष्ट्र गणपति बप्पा मोरिया। अब इस पर कंगना रनौत का क्या जवाब आने वाला है इसके लिए तो हम सभी को करना पड़ेगा इंतजार। पर दोस्तों आपको क्या लगता है, कितने हद तक आप उर्मिला मातोंडकर के बात से सहमत रखते हैं, बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। मैं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। सलमान खान से गुजारिश की है सारे एग्जिबिटर सेक्टर ने। आइए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई, ये जो फिल्म है इस फिल्म को लेकर के सभी जो एग्जिबिटर्स हैं यानी जो लोग सिनेमाज जो है वो थिएटर में लगाते हैं, थिएटर छोटे छोटे थिएटर्स के जो ओनर्स हैं उन सभी ने जो एग्जिबिट करते हैं सिनेमा, उन्होंने ये लेटर लिखा है सलमान खान को और गुजारिश की है भाईजान से कि उनकी जो फिल्म है राधे और मोस्ट वांटेड भाई वो 2021 में ईद के दिन पर सभी थिएटर्स में रिलीज हो जाए ताकि थिएटर्स जो है उन्होंने जितना भी लॉस फेस किया है इन पिछले 10 महीनों में वो सारा का सारा जो लॉस है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत या फिर शायद से सलमान खान की फिल्म है तो पूरा का पूरा लॉस भर कर निकल जाए। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि सभी जो एग्जिबिटर्स हैं उनकी ये मांग है सलमान खान से कि सिर्फ ये एक फिल्म जो है अगर इसको पूरे सारे थिएटर्स में अगर दिखाने की परमिशन मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा और सभी के सभी सलमान खान फैंस को वो तहे दिल से यू नो वेलकम करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं सिनेमा हॉल्स में। और उन्होंने ये प्रॉमिस भी किया है उनके लेटर में कि अब तक कहीं पर भी वर्ल्ड वाइड एक भी केस ऐसा नहीं मिला है COVID-19 का कि वो थिएटर्स से निकल कर आया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम पूरी के पूरे रिस्ट्रिक्शन जो है जो भी गाइडलाइंस है उनको मान कर ही हम आपके जो फैंस हैं उन सभी को इन सिनेमा घरों में वेलकम बैक करना चाहते हैं। अब तक सलमान खान के तरफ से कोई भी रिवर्ट नहीं आया है, पर मैं आपको ये बता दूं कि राधे ऑन ईद 2021 ये जो हैशटैग है वो अब वायरल होते जा रहा है, ट्रेंड होते जा रहा है। अब इतना ही सुनना है कि क्या राधे योर मोस्ट वांटेड भाई बड़े पर्दे पर हमें देखने मिलेगी या नहीं। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि सलमान खान प्रोड्यूस्ड फिल्म कागज़ जो है उसके बहुत से जो शोज़ हैं वो यूपी के सिलेक्टेड थिएटर्स में दिखाए जा रहे हैं। तो अब सभी एग्जिबिटर्स की सिर्फ इतनी सी छोटी सी प्यारी सी मांग है सलमान खान से। तो क्या आपको लगता है क्या वाकई सलमान खान भाईजान ईदी के रूप में राधे और मोस्ट वांटेड भाई परे पर्दे पर दिखाएंगे? क्या कुछ है आपकी राय जरूर बताइए इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। मैं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा।